नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 25. अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड. ओके एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. सो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे. तो देखो सपोज ये है इनिशियल हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए एंड बी, एंड बी है फुट ऑफ ट्री एंड ए है टॉप ऑफ ट्री, ठीक है. एंड क्या हुआ कि जैसे स्टॉर्म आई तो स्टॉर्म की वजह से इसका ये कुछ पार्ट टूट के नीचे गिर गया, ठीक है, एंड वो जो यहाँ पे ग्राउंड पे टच कर रहा है लेट दिस पॉइंट बी डी, ठीक है, एंड ए यहाँ से टूटा इस पॉइंट को मान लेते हैं सी. तो क्या हुआ ये जो इतना पार्ट है ए सी ये पार्ट टूट कर ऐसे गिर गया है, देखो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डी सी ऐसे. एंड हमें ये जो डिस्टेंस गिवन है जहाँ पे ये जो ट्री है वो टच कर रहा है टॉप ऑफ ट्री जो ग्राउंड को टच कर रहा है एंड फुट ऑफ ट्री इसके बीच का ये डिस्टेंस हमें गिवन है वो है 8 मीटर, ठीक है. एंड ये जो एंगल गिवन है वो गिवन है 30 डिग्री, ठीक है. तो याद है 30. फिर से देखो ये ए बी एक ट्री है, ठीक है. अब क्या हुआ स्टॉर्म आने की वजह से इसका कुछ पार्ट ऊपर से टूट के ऐसे गिर गया है इन द फॉर्म ऑफ डी सी, ठीक है, ओके. एंड ये जो डी सी लाइन है ये डी बी के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, ओके. ये भी गिवन है क्वेश्चन में. एंड ए गिवन है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस और बी पॉइंट का डिस्टेंस 8 मीटर है, ठीक है. सो ये हमें गिवन है. अब हमें निकालना है द हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, एंड हाइट ऑफ ट्री है दिस, एंड इसको हम डिनोट करेंगे एच से, ठीक है. आप देखो ये जो पार्ट है ए सी वो डी सी के फॉर्म में गिर गया, ठीक है. सो हम कह सकते हैं कि डी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है. तो देखो ये जो ट्री का पार्ट है जो टूट के गिरा है वही तो है ये डी सी, ठीक है. सो ए सी मस्ट बी इक्वल टू डी सी. तो यहां से वी कैन राइट सबसे पहले कि ए सी इज इक्वल टू डी सी. अब देखो हाइट ऑफ ट्री हमने लिया है एच, ठीक है. तो वी कैन राइट लेट हाइट ऑफ ट्री बी एच. सो एच इक्वल टू होगा, देखो एच इक्वल टू होगा ए सी प्लस बी सी, ठीक है. नाउ ए सी इक्वल टू डी सी भी है, सो बी कैन राइट डी सी इन प्लेस ऑफ ए सी. सो एच इक्वल टू आ जाएगा डी सी प्लस बी सी. अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली डी सी और बी सी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है. सो देखो इन ट्रेंगल बी सी डी 10 30 डिग्री होगा, देखो इसमें हम 10 30 डिग्री निकालते हैं तो ये होगा बी सी अपॉन बी डी, ठीक है. नाउ 10 30 डिग्री होता है 1/√3, सो ये आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू बी सी, एंड बी डी गिवन है 8 मीटर, सो ये आ जाएगा बी सी अपॉन 8. सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो बी गेट बी सी इक्वल टू 8/√3, ओके. सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो हमें बी सी इक्वल टू अपने पास आ गया 8/√3 मीटर, ओके. अब हमें निकालना है डीसी, ठीक है, दिस साइड डीसी. सो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 डिग्री इक्वल टू होगा, देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर है बीसी एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सॉरी, ठीक है. सो परपेंडिकुलर है बीसी एंड हाइपोटेनियस है दिस डीसी, ओके. सो साइन 30 डिग्री इक्वल टू वी गेट BC अपॉन DC, तो BC है 8/√3 एंड DC हमें निकालना है, ठीक. नाउ साइन 30 डिग्री होता है 1/2, सो वी गेट 1/2 इक्वल टू 8/√3 अपॉन DC. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो वी गेट DC इक्वल टू
16 अपॉन रूट 3, ठीक है। सो दिस इज द डीसी। सो अब हमें निकालना है हाइट ऑफ ट्री, तो एच इक्वल टू है डीसी प्लस बीसी, ठीक है। नाउ डीसी इक्वल टू है 16 अपॉन रूट 3 एंड बीसी इक्वल टू है 8 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 अपॉन रूट 3, ऐड किया, सो ऐड करने पर आएगा 8 प्लस 16 कितना होगा 24, सो ये आ जाएगा 24 अपॉन रूट 3। नाउ इसको रैशनलाइज किया तो उसके लिए रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे रूट 3 से, ठीक है। सो देखो ऊपर आ जाएगा 24 इंटू रूट 3 एंड नीचे रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3, ठीक है। सो नाउ 3 से 24 8 टाइम्स कट जाएगा, सो वी गेट 8 इंटू रूट 3 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ ट्री।